फ्रेंड्स, न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर आपका प्यारा सा क्लिक करके आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए फ्री में। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब स्पॉट ऑलवेज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गुजरात बोर्ड का वो रिज़ल्ट है जो 10th क्लास का वो आ चुका है, और दोस्तों वो सुबह 8 बजे रिज़ल्ट आ चुका है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपना लाइव रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हो 10th क्लास का, जो कि गुजरात बोर्ड की तरफ से आया है। मैं आपको लाइव एक वेबसाइट बताऊँगा जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपना बड़े ही आसानी से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आपको बताते कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको, आप जो भी अपने मोबाइल में ब्राउजर यूज करते हो, चाहे आप क्रोम ब्राउजर, चाहे गूगल, चाहे कोई भी आप ब्राउजर यूज करते हो, वो आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल को का एप्लीकेशन है, इसको कर लेता हूँ ओपन। आपको भी इसी तरह से कोई भी अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो खोजें वाला, जो सर्च वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पर टाइप करना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने के लिए गुजरात बोर्ड का, अगर आप 10th क्लास का रिजल्ट जानना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको क्या टाइप करना है। यहां पर आपको gseb.org, ठीक है, आपको यहां पर gseb.org टाइप कर देना है। यहां पर आपको क्या कर देना है, फिर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे करोगे क्लिक, तो यहां पर आपको सबसे ऊपर जो यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा, यहां पर दोस्तों आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन मिलेगा gseb.org, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फाइनली दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा एंटर सीट नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन आ रहा होगा एंटर सीट नंबर, आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर पहले अपना वर्क सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर अपने सीट का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि यहाँ पर जो आपको अपना जो रोल नंबर है, 7 डिजिट का आपको सीट नंबर होता है, जो आपको यानी कि आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर अपना कोई भी रोल नंबर डाल दोगे, जैसा कि आपको यहाँ पर कोई रोल नंबर टाइप करना होगा, अगर आप यहाँ पर गुजरात बोर्ड से हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जो आपने 10th का रिजल्ट दिया है, जो आपको एडमिशन एडमिट कार्ड पे आपका जो रोल नंबर था, वही रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना। लाइक यहाँ पर मैं तो दोस्तों गुजरात बोर्ड से नहीं हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं गुजरात बोर्ड का यहाँ पर रोल नंबर नहीं डाल सकता, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको कोई भी आपको यहाँ पर A to Z समझाने के लिए रोल नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि मैं 23,20,313 यहाँ पर 315 यहाँ पर कोई भी रोल नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 23,20,318 रोल नंबर डाल दिए। यहाँ पर आप, मैं यहाँ पर आपको अपना वर्ग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये यहाँ पर 8 अक्षर का, यहाँ पर दोस्तों ये 7 अक्षर का हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वर्क सेलेक्ट करके गो वाले आइकन पर करना है क्लिक। जैसे यहाँ पर आप गो वाले आइकन पर करोगे, यहाँ पर लिखा है 104 नोट फाउंड। यहाँ पर क्या है कि ये दोस्तों राजस्थान बोर्ड का रोल नंबर है, ये यहाँ पर मतलब गुजरात बोर्ड का रोल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है नोट फाउंड। आपको यहाँ पर गुजरात बोर्ड का जो आपके एडमिट कार्ड पर 10th क्लास का जो रिजल्ट पर रोल नंबर था, वो आपको रोल नंबर डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर वो रोल नंबर डालोगे तो यहाँ पर एक सेकेंड में आपका यहाँ पर बड़े ही आसानी से रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। 8 बजे आज सुबह रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, ठीक है, गुजरात बोर्ड की ओर से। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। जो भी आप ब्राउजर में चाहे, आप वही ब्राउजर से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो बड़े ही आसानी से। आपको यहाँ पर gseb, मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, gseb.org सेलेक्ट करना है और फर्स्ट लिंक पे ही आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको रोल नंबर डाल के आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा एक ही मिनट में। आपको 1 मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड में आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट है वो कैसे आपको चेक करना है और वो कब आएगा, और मैं आपको लाइव चेक करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको राजस्थान बोर्ड का जो 12वीं का रिजल्ट है वो मैं आपको लाइव चेक करके दिखा दूंगा, और वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड 12वीं कक्षा 8 का रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।